कोर्ट में पुलिस की हुई किरकिरी, जांच अधिकारी के करतूत पर जज ने कहा मैं हैरान हूं। जम्मू में एक मामले में पकड़े गए आरोपियों के रिमांड लेने कोर्ट पहुंची पुलिस की किरकिरी हुई है। कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर दिया है। एसएसपी जम्मू को जांच अधिकारी और जिला उपायुक्त को तहसीलदार के खिलाफ 15 दिन से जांच करने और इसकी जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। पुलिस बुधवार को नानक नगर के रहने वाले कमलजीत सिंह और इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ सूदन के रिमांड लेने कोर्ट पहुंची थी और तहसीलदार की ओर से बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिमांड देने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। अतिरिक्त जिला जज ताहिर खुर्शीद रैना ने गंग्याल पुलिस की तरफ से आरोपियों को रिमांड पर लेने के आवेदन को खारिज कर दिया और शाम को 4 बजे पुलिस के सब इंस्पेक्टर बीएस चाढ़क ने कमल और सौरभ के खिलाफ रिमांड आवेदन पेश किया। जज ने पुलिस के इस मामले की केस डिटेल मांगी और दोनों आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया। केस डिटेल की फाइल खुली तो कमलजीत ने कहा कि हमारे खिलाफ पुलिस ने झूठा मामला दर्ज किया है। एसएचओ गंग्याल ने कहा कि एसएसपी जम्मू ने कहा है कि हमें पकड़ें और हमारे खिलाफ एनडीपीएस के तहत एफआईआर दर्ज करें और कोर्ट ने इस पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं।